हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे 16 सितंबर 2019 की जो करंट अफेयर्स है इसके यहाँ पे बात करेंगे, और जितने क्वेश्चंस बन पाए हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स के 16 सितंबर के, तो वो सारे इस वीडियो के अंदर कवर किए गए हैं। तो गाइस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो पाए। और देखिए वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन रखा है मैंने आप लोगों के लिए, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके देना होगा। गाइस देखिए वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि देखिए आज वीडियो अपना थोड़ा लेट हो गया है, अदरवाइज जो करंट अफेयर का डेली बेसिस पे जो वीडियो आता है करंट अफेयर्स का, इसका जो टाइमिंग रहता है वो रहता है सुबह 6 बजे का। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, और क्वेश्चन है कि भारत ने 10वां जो एशियाई प्रशांत युवा खेल है इसमें कुल कितने मेडल जीते ये बताना है। तो जो 10वें एशियाई प्रशांत युवा खेल की बात करें तो इसमें भारत ने टोटल जो कुल मेडल जीते ये जीते 34, तो आंसर होगा ऑप्शन बी 34। अब ये 34 कुल मेडल जीते, इनमें से आप यहाँ देख सकते हो नीचे मैंने साफ साफ लिखा हुआ है कि इनमें से गोल्ड मेडल जीते 16। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि भाई कितने गोल्ड मेडल जीते, तो 16 गोल्ड मेडल और 13 सिल्वर मेडल और 5 ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, अब देखिए इसी से संबंधित यहाँ पे जो ये एशियाई प्रशांत युवा खेल है इससे संबंधित एक और क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिया है कि जो 10वें एशियाई प्रशांत युवा खेल है इसमें जो भारत का हमें बताना है कि भारत है ये कौन से स्थान पर रहा ये बताना है। तो 10वें एशियाई प्रशांत खेल युवा खेलों की बात करें तो भारत इसमें रहा 5वें स्थान पर, तो आपका आंसर जो होगा ऑप्शन बी आपका आंसर होगा 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चीन ने आपदा प्रबंधन और जलवायु निगरानी सहित क्षेत्रों में मदद के लिए कौन सा उपग्रह है जिसको लॉन्च किया है, तो इस ग्रह का नाम है ZY-102D, तो आपको आंसर करना होगा ऑप्शन डी ZY-102D। अब यहाँ पे देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे इससे रिलेटेड ये जो उपग्रह है इससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स मैंने यहाँ पे ले रखे हैं, तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। देखो मेन चीज़ इसमें ये है कि जो ये उपग्रह है यहाँ पे मैं देखो अंडरलाइन कर देती हूँ जो जो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो उपग्रह ये मतलब काफ़ी और मतलब और भी बहुत सारे उपग्रह है इनके साथ में नेटवर्क का ये पालन करेगा, और सबसे मेन चीज़ कि पृथ्वी के ऊपर 778 किलोमीटर सौर जो समकालीन कक्षा है इसमें ये काम करेगा। और हाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें एक कैमरा लगा हुआ है, और वो कैमरा किस किस्म का है ये आप देख सकते हो, 166 बैंड हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा है ये। ठीक है, और ये क्या करेगा ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर दी हुई है। तो बढ़ते हैं हम इसी के साथ हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, और आपके सामने आ चुका है अगला क्वेश्चन, तो इसका आंसर देखिए। क्वेश्चन है हमारा कि जो स्वराज स्वरोजगार करने वालों के लिए केंद्र सरकार है इसने कौन सी पेंशन है इसको लागू किया है, तो स्वरोजगार यानी खुद से रोजगार करने के लिए जो केंद्र सरकार है इसने एक पेंशन योजना लागू की है, इसका नाम है राष्ट्रीय पेंशन योजना। अब इस पेंशन जो राष्ट्रीय पेंशन योजना है इसके तहत होगा क्या, तो वो सारी चीज़ें यहाँ देखिए यहाँ सारी चीज़ें ले रखी हैं। इसके तहत क्या होगा कि 18 से और 40 वर्ष की आयु वालों के लिए स्वैच्छिक और अंशदायी ये योजना है। और देखो इससे क्या होगा ये भी सारी चीज़ें देख सकते हो कि इस योजना के तहत न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3,000 रुपये मासिक पेंशन होगी। और यहाँ पे इसके लिए कुछ चीज़ें हैं कि भाई ये आयकरदाता नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। चलो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा स्टेडियम है जिसमें विराट कोहली पवेलियन स्टैंड है इसका ये बनाया गया है। तो जो विराट कोहली पवेलियन स्टैंड की बात करें तो इसको बनाया गया है अरुण जेटली स्टेडियम में, तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अरुण जेटली स्टेडियम की बात करें तो पहले इसको फिरोज शाह कोटला नाम से जानते थे, लेकिन अब इसका नाम चेंज होकर के ये पड़ गया है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो विराट कोहली पवेलियन स्टैंड है ये बनाया गया इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं यहाँ पे।
तो देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इस मौके पर क्या होगा कि अंडर 19 खिलाड़ी से लेकर, यानी कि अंडर जो विराट कोहली के बारे में बताया जाएगा, अंडर 19 खिलाड़ी से लेकर और भारत के कप्तान बनने तक का जो सफर है विराट कोहली का, इसको वीडियो के जरिए दिखाया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अरुण जेटली स्टेडियम है, इसको पहले फिरोज शाह कोटला स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा वो राज्य है जिसके मुख्यमंत्री के द्वारा और ये ऑड इवन स्कीम है, इसको 4 से लेकर 15 नवंबर की अवधि के लिए लागू किए जाने की घोषणा की गई है। तो ये की गई है यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, इसके द्वारा। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दिल्ली के, मतलब दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की है, जो ये इस बार जो ये इवन ओड स्कीम है जो कि 4 नवंबर से शुरू होगी और 15 नवंबर तक ये जारी रहेगी, इसकी घोषणा की है अरविंद केजरीवाल ने, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। और केजरीवाल के मुताबिक फसल जलने के कारण होने वाले जो प्रदूषण है उससे निपटने के लिए 7 सूत्रीय कार्य योजना बनाई गई है, और इसके तहत क्या होगा कि जो मास्क बांटे जाएंगे और मशीनों से सड़कों की सफाई वगैरह ये सब की जाएगी, कदम उठाए जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके बारे में दी हुई है, तो आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, और क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा वो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जिसमें सूखे की समस्या से निपटने के लिए ड्रॉट टूल बॉक्स है, इसकी घोषणा की है। तो ये की गई है कौन से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में, UNNCD COP14 जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है इसके तहत, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो ये संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है, इसके सभी सदस्य देशों की जो बैठक हुई उसमें सूखे की समस्या से निपटने के लिए जो ये ड्रॉट टूल बॉक्स है इसको जारी किया गया। ठीक है, और इससे क्या होगा वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये सम्मेलन कहाँ हुआ, तो ये सम्मेलन चल रहा है ग्रेटर नोएडा में। अगला क्वेश्चन है हमें बताना कि वो कौन सी राज्य सरकार है जिसने किसानों की आय को दुगना करने के लिए पहली कृषि निर्यात नीति है इसकी घोषणा की है। तो हमें बताना है कौन से राज्य की सरकार ने किसानों की आय को दुगना करने के लिए पहली कृषि निर्यात नीति की घोषणा की है। तो ये की है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने, तो राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। यहाँ पर राइट आंसर होगा यूपी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अब हम यहाँ पे यूपी की बात करें तो देखिए इसकी राजधानी क्या है, इसकी कैपिटल है लखनऊ, इसकी कैपिटल है, और यूपी के जो चीफ मिनिस्टर है वो है योगी आदित्यनाथ, और इसके गवर्नर की बात करें तो आनंदीबेन पटेल है, ये यहाँ की गवर्नर है यूपी की। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है बिहार, तो बिहार की राजधानी आपको पता होनी चाहिए जो कि पटना, चीफ मिनिस्टर है यहाँ के नीतीश कुमार। अब यहाँ पे पंजाब की बात करें तो इसकी राजधानी है चंडीगढ़, और यहाँ के CM है कैप्टन अमरिंदर सिंह। और यहाँ पे यूपी के बारे में हमने जान ही लिया, यही हमारा आंसर था। कर्नाटक की बात करें तो इसकी कैपिटल आपको पता होनी चाहिए जो कि है बेंगलुरु। तो यहाँ पे देखिए हमारा आंसर क्या था, उत्तर प्रदेश। तो थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। गाइस ये इंडिया का मैप, और इसमें देखो उत्तर प्रदेश की बात करें तो इस जगह पड़ता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब ये उत्तर प्रदेश की बात करें तो कब इसको एस्टेब्लिश किया गया था वो आप देख सकते हो, 24 जनवरी 1950 को। और इसकी कैपिटल यानी कि यूपी की, उत्तर प्रदेश है इसकी यहाँ पे बात हम कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश है इसकी जो कैपिटल है ये है लखनऊ, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो भी मैं बता चुकी हूँ योगी आदित्यनाथ, और गवर्नर के बारे में मैंने बता दिया था आनंदीबेन पटेल। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जाता है आपसे कि दुधवा नेशनल पार्क है ये किस राज्य में है, तो गाइस ये है उत्तर प्रदेश में, और चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये भी किस में है, उत्तर प्रदेश में। अब यहाँ पे देखो क्लासिकल डांस है यहाँ का, ये क्या है कथक, आपको याद रखना है कथक। और यहाँ के जो फोक डांस है वो भी आप देख सकते हो, जो जो इम्पोर्टेंट फोक डांस है वो मैंने यहाँ पे ले लिए हैं, जैसे कि ख्याल हुआ, कई बार पूछा जाता है ख्याल नृत्य है ये किस राज्य का है, तो आपका आंसर देना होता है यूपी। और नौटंकी हुआ, रास लीला हुआ, ये सभी कहाँ के हैं, यूपी के। तो चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा वो देश है जिसने अंतरिक्ष में पहली बार भेजे गए अपने ह्यूमेनॉइड का मतलब है इंसान जैसा जो रोबोट है जिसका नाम है फेडर, इसकी सेवा को समाप्त कर दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है कि वो कौन सा देश है जिसने ह्यूमेनॉइड यानी इंसान जैसा रोबोट जिसका नाम है फेडर, इसकी सेवा को समाप्त कर दिया है।
तो ये किया है रूस ने, रशिया ने, तो आंसर होगा ऑप्शन ए रूस। अब यहाँ पे रशिया की बात करते हैं तो इसकी राजधानी क्या है, तो गाइस इसकी जो राजधानी है वो है मॉस्को और इसकी मुद्रा है रूबल, और रशिया की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। यहाँ पे देखिए आंसर हम देख चुके हैं ऑप्शन ए है, लेकिन देख लेते हैं ऑप्शंस में जो जो कंट्रीज दी हुई है उनकी कैपिटल करेंसी के बारे में देख लेते हैं। जापान की बात करें तो इसकी जो कैपिटल है वो आपको पता होनी चाहिए टोक्यो, और इसकी मुद्रा की बात करें तो जापानीज एन इसकी मुद्रा है। नेपाल की बात करें तो इसकी जो कैपिटल है वो है काठमांडू इसकी कैपिटल है, और इसकी जो मुद्रा है वो है नेपाली रुपया। चीन की बात करें तो इसकी जो कैपिटल है वो है बीजिंग, और इसकी जो मुद्रा है रेनमिनबी और चाइनीज युआन। तो अब यहाँ पे हमारा आंसर क्या था, रशिया। तो यहाँ देखिए रूस का मैप देख सकते हो, और इसकी राजधानी मैंने बताई थी मॉस्को, जो कि इस जगह है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें वैसे मैं इसके बारे में बता चुकी हूँ, तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे याद रख सकते हो, इसकी जो प्राइम मिनिस्टर है वो आप देख सकते हो दिमित्री मेदेदेव, ठीक है। कॉलिंग कोड भी आप याद रख सकते हो, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं, जैसे कि एएलपी का एग्जाम हुआ था 2018 का, उसमें पूछा होता किसी भी कंट्री का डायलिंग कोड दे रहे थे और पूछ रहे थे किस कंट्री का क्या डायलिंग कोड है, इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिले थे, तो इसलिए मैंने ये भी चीज़ यहाँ पे ले ली है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है डेनमार्क है, इसने किस बायोलॉजिस्ट है, इसकी 166वीं जयंती के अवसर पर गूगल ने डूडल के जरिए उन्हें याद किया। तो ये किसने मतलब ये बताना कि किस माइक्रोलॉजिस्ट की ये जयंती पे, तो ये किया हैंस क्रिश्चियन ग्राम है, इनकी 166वीं जयंती पर ऐसा इनको इन्हें याद किया, तो आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब देखो अब बारी है जो मतलब कि पिछली क्लास में जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था उसका आंसर देने की। तो गाइस क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि भारत के दूसरे मल्टी मॉडल टर्मिनल है इसका उद्घाटन कहाँ किया जाएगा, तो इसका आंसर है झारखंड, आपको आंसर करना था ऑप्शन सी झारखंड। अब आज का जो आप लोगों के लिए क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो, और इसका कमेंट करके आपको इसका आंसर बताना है। तो देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वो कौन सा देश है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का ये 79वां सदस्य बना, तो उस देश का हमें नाम बताना है, ऑप्शंस आपके सामने है, तो इस क्वेश्चन का कमेंट करके आंसर जरूर दीजिएगा। तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही घंटे की चिन्ह को जरूर दबा लीजिए, जिससे आपको हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।